कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो एफडी था, मैं एफडी में से, कितने लोगों को ऐसा लग, मैं जानना चाहता हूँ प्लीज, क्या ऐसा कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो एफडी था। हाँ सर 2 साल पहले ऐसा लगता था, लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता है, तो कोई ऐसा नहीं है जिसको लगता हो कि इससे अच्छा एफडी था, कोई ऐसा है? मैं अनम्यूट करके, दीपक मिश्रा जी अनम्यूट करके, नहीं सर, मुझे नहीं लगता कोई होगा सर। मैं जानना नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, कोई तो होना चाहिए यार, जब ये रिटर्न 5-7% 8%, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो पिछले एक हफ्ते में लगभग 4% डाउन है, तो इसलिए मैं एक ही इसे, काम कर रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा काम अच्छा, करेगा संध्या जी, ध्यान से देखिए तब काम करेगा। तो मैं देखेगा बैटरी। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि हमारा इससे अच्छा सिस्टम एफडी था, कम से कम 7-8? अशोक गुप्ता जी, आप कई दिनों से बोलते नहीं हैं, चुपचाप आते हैं चले जाते हैं। सर मैं थोड़ा बाहर था, इस वजह से अच्छा वीडियो पर नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, देखिए सर, कॉन्फिडेंस तो आपने बिल्ड किया हुआ है, इट्स नो डाउट। और मतलब ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है, बल्कि मजा आ मजा रहा आ रहा है, है। धन्य धन्य यस धन्यवाद यस, सर, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट राइट, क्योंकि बिल्कुल सर, आज आज बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, आज सैटरडे सैटरडे संडे को जनरली ज्यादा लोग आते हैं मेरे पास मिलने के लिए, तो आज कई लोग आए थे, तो उसमें से 2 लोगों का ऐसा मुझे बातचीत करके लगा कि उनको लग रहा था यार इससे अच्छा तो एफडी था। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, जब मार्केट में ये जनरल फीलिंग हो जाएगी कि इससे अच्छा तो एफडी था, समझ लो आपका मार्केट चलना शुरू हो जाएगा। होता ही यही है, मार्केट की जो साइकिल है वो चलती है ऐसी है कि एक टाइम पे मार्केट में यूफोरिया होता है, और ये मैं आपको पिछले 45-50 साल का बता रहा हूं, दो 20-25 साल का तो अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं, और पिछला डेटा भी आप देखें, एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट में यूफोरिया होता है, रिटेलर्स मार्केट में आते हैं, उनको लगता है एफडी पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम इक्विटी में जाएंगे, इक्विटी में आते हैं, इक्विटी चलती नहीं है 1 साल 1.5 साल 2 साल, क्योंकि वो आते ही तभी है जब तक वो बहुत चल चुकी होती है, वो आते ही उसी समय पर, फिर वो इक्विटी चलती नहीं है, जब इक्विटी चलती नहीं है 2 साल देखते हैं, यार मैं अगर एफडी में होता तो 7-7 14% बन चुके होते हैं, यहाँ पे मेरे 8 ही% बने हैं, फिर वो वहां से शिफ्ट करते हैं एफडी में, जब उनको फीलिंग आती है कि इससे अच्छा तो एफडी ही था, और जैसे ही वो एफडी में शिफ्ट करते हैं मतलब वो फीलिंग, और फिर अपना मार्केट फिर चलती है, फिर एक दूसरा ग्रुप ऑफ को लगता है हाँ मार्केट में फिर यूफोरिया आता है, फिर कुछ लोग आते हैं, यही मार्केट का एक है। मैं बता रहा हूं, जो 2 लोगों ने मुझे आज ये कहा कि सर इससे अच्छा तो एफडी था, वो वही 2 लोग थे तो जो मार्केट में पिछले 2 साल से, तो अगर आप मार्केट, मैं कहता हूं हो सकता है कि आप 1 साल से हैं, हो सकता है कि आप 1.5 साल से हैं, लेकिन आप 10 साल का डेटा तो देख लो, डेटा तो अवेलेबल है ना, कुछ मैं कुछ भी बोलूं, कोई और कुछ भी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए या आपको डेटा बोलना चाहिए, डेटा देखिए, डेटा आपको क्या बताता है, अगर डेटा दिख रहा है कि हाँ जी अगर हमारा सेंसेक्स जो है 1971-72 से शुरू होके आज 74-71 हजार पे पहुंच गया है, जहां के 1971 में 100 था, तो बढ़ा है तभी बढ़ा है, निफ्टी को देखो, कंपनीज को देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनको देख लो, 15 साल 20 साल का टाइटन का उठा लो, एचडीएफसी का उठा लो, किसी भी बड़ी कंपनी का उठा लो, टीसीएस का उठा लो, आपको पता चलेगा कि हाँ पैसे बन रहे हैं, लेकिन ना आप डेटा देखें, आप केवल और केवल कहते हैं ना कि सिचुएशंस को देखेंगे, तो सिचुएशन देखकर आप आएंगे और सिचुएशन देखकर आप जाएंगे, तो आप पैसा नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने आज की क्लास का नाम रखा था एफडी इज बेटर देन इक्विटी, क्या ये ऐसा है? अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मार्केट में आ गए हैं तो प्लीज 2 साल अगर आप मेरे में से किसी ने दिया है तो 2-3 साल और दे, एक साइकिल को पूरा यूज कर, मान लें एक साइकिल को पूरा यूज कर लें, आप अपने इक्विटी की जर्नी को एंजॉय करें, साइकिल के बीच में निकल जाएंगे आप इक्विटी की जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो लोग 2008 में निकल गए वो, और आप में से कोई है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि 2008 में जब लोगों के पैसे नहीं बन रहे थे लोग निकल गए,
अब जब वो 2020 में मुझे मिलते हैं तो मुझे कहानियां बताते हैं, सर उस समय मेरे पास इतने रिलायंस के शेयर थे, मुझे इतने थे और मैंने बेच लिया, बेच बाच के मैं निकल गया। जो लोग 2018 में निकले जब स्मॉल कैश क्रैश हुआ था, वो भी मुझे मिलते हैं, क्योंकि तो मेरा काम है लोगों के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना, मेरे पास आते हैं लोग तो अपनी कहानियां बताते हैं कि हाँ सर मेरे पास इतने म्यूचुअल फंड थे, इतने ये थे और उस समय फिर हमने बेच दिया, हम इससे निकल गए। तो प्लीज मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मार्केट में डर लगता है तो सीखिए, लेकिन अगर आप मार्केट में आ चुके हैं, आपने अच्छे शेयर खरीदे हुए हैं, तो एक साइकिल को पूरा जरूर इंजॉय करें, एक साइकिल। और इक्विटी मार्केट की एक साइकिल 4-5 साल तो कम से कम आप देंगे ना, इक्विटी मार्केट की एक साइकिल 1 साल या 1.5 साल या 2 साल की नहीं होती, ये आपको बात समझना पड़ेगा। आप सब आते हैं, जो आता है वो ये कहता है कि हाँ जी हम जानते हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म का गेन है, लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल में आप परेशान हो जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इक्विटी मार्केट ने पिछले 1.5 साल में किया क्या है, आप अगर इतने इसी को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए जरा ये मैं आपको निफ्टी दिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ निफ्टी भाग गया, यूफोरिया हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सिंपल एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है आपको। ये इक्विटी मार्केट है हमारा, इस मार्केट को आप देखिए जरा ध्यान से, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी मार्केट ने थोड़ा सा डेटा मैं और बड़ा कर देता हूँ तो ताकि कि आपका चला कितना है, क्या आपका पोर्टफोलियो इतना नहीं चला है? अगर आपका पोर्टफोलियो इतना नहीं चला है तो कहीं आप गलती कर रहे हैं। आपको मार्केट जो है ये था आपका 18,600 अक्टूबर 2021 में, ध्यान से समझिएगा 18,600 अक्टूबर 2021 में, 18,800 दिसंबर 2022 में, यानी यहां से यहां तक कुछ नहीं चला, यहीं से मार्केट नीचे आया, फिर ये चाल चली है। ये जो मार्केट चली है ये कुल मिला के मार्केट ने जो चला है वो मात्र जो है, देखिएगा ध्यान से, ये है मार्केट आपका चला, कुल 15% मार्केट चला है 2022 21 22 जो भी ले रहे, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग वही डेटा, यही वही पॉइंट आपको यहाँ आएगा, कुल 15% चला है पिछले 3 सालों में, मैं 2021 से बात बता रहा हूँ कुल। क्यों? क्योंकि आप यहाँ खरीदेंगे यहाँ बेचेंगे, यहाँ खरीदेंगे यहाँ बेचेंगे, तो आप एक सुपरमैन है, वो सुपरमैन तो कोई है, मैं तो एकदम टॉप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने टॉप पे खरीदा, नहीं पता जो सुपर है, तो मार्केट चली है 15%। अब मैं जानना चाहता हूं, प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे, चाहे आप अपना नाम लिखें ना लिखें, अमाउंट लिखें ना लिखें, आप लोगों का पिछले 3 सालों में कितने परसेंट का, एंड दिस इज नॉट सीएजीआर, दिस इज परसेंटेज, सीएजीआर तो और बहुत कम आया है। क्यों? क्योंकि अगर 3 साल में मार्केट ही 15% चली है आपकी तो आपको समझ में आएगा सीएजीआर। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन, अगर आप देखेंगे तो 5-6% साल का इसमें बन रहा है अभी तक, 6% मान लो, 7% कौन ऐसे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो पिछले 2-3 सालों से अगर वो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6-7% साल का नहीं बन रहा, प्लीज बन रहा है या नहीं बन रहा है, यस या नो लिख दे बस। अच्छा चलिए छोड़िए, कितने परसेंट लिख रहा है, नहीं यस या नो लिखें प्लीज, मैं चैट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ सिंपली। अगर 5-6% साल का बन रहा है तो यस लिख दें, और नहीं बन रहा तो नो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इससे एक थोड़ी सी लर्निंग आप लोगों की होगी कि हाँ कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो परसेंटेज ना लिखें, यस नो आपको लिखना है, कुछ लोग 13% 13.5% लिख रहे हैं, ठीक है आप परसेंटेज लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, मैं आपको बता रहा हूं, मैं केवल इसे, अभी तक मुझे कोई भी नो नहीं मिला है, अभी तक मुझे कोई भी नो नहीं मिला है। इसका मतलब आप मार्केट को समझिए, इस बात को, आप बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं आप उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन का जो सबसे बड़ा पहलू होता है कि वो मार्केट में कितना अल्फा जनरेट करते हैं। अगर 5% मार्केट चली है और वो एक 6% देते हैं, 6.5% देते हैं, 7% देते हैं, तो कहा जाता है कि हाँ जी उन्होंने 1.5% का अल्फा जनरेट किया, उन्होंने 2% का, और वो लिखते हैं, वो चार्ट बनाते हैं, निफ्टी मूविंग दिस
हमारा आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आप उठा के देखेंगे तो चार्ट बना के आपको दिखाया जाता है, ठीक है। वो अगर आप उतना कर पा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल एक्सपीरियंस लिया, पहले वो जूनियर लेवल पे काम किए, आप अभी नए नए आए हैं, फिर भी आपने उस तरह के शेयर्स खरीदे कि आपका पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट कर रहा है या निफ्टी के बराबर है, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बार बार बताता हूँ, जो लोग नए और जो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े, आते ही कोई यूट्यूब देखा, कोई ट्रेडर का देखा, कोई ये किया, कोई वो किया, आप देखेंगे आधे लोग मार्केट से जा चुके हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे प्लेटफॉर्म से भी आधे लोग जा चुके हैं। वो वही लोग हैं जो आए थे शुरू शुरू में, लेकिन उनको करना था अल्फा बीटा गामा पुट कॉल, ये सब करना था, और उनको लगा कि हम एक दिन में राजा बनेंगे। हम राजा नहीं बनाते, मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं मैं राजा आपको नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक दो साइकिल ऑफ मार्केट रह जाते हैं, आप अच्छा पैसा बना लेंगे। और अच्छा पैसा मार्केट आपको 15% बना के देगा, लेकिन आप 30% बनाएंगे आप केवल मेरे साथ जुड़े। 30% कैसे बनाते हैं? 15% मार्केट बना के देता है, 10-12-15% में आपकी सेविंग, वो सेविंग हो जाती है जब आप, मैं मेरे साथ तो ऐसा होता है। और मेरे पास जितने लोग आते हैं मिलने, वो कहते हैं हमेशा ये कहते हैं कि सर मेरे अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख पड़े रहते थे, जब से आपसे जुड़े हैं हमारा अकाउंट खाली रहता है। अब अकाउंट खाली रहता है, कैसे खाली रहता है? कि सर कोई अच्छा शेयर दिखता है, अच्छे रेट पे आता है, हम खरीद लेते हैं। लेकिन आप इसकी ब्यूटी नहीं समझेंगे कि अगर आप अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीद लेते हैं, तो आप समझिए कि आपके अकाउंट में पैसा होगा, तो कभी लगेगा ये फोन बहुत पुराना हो गया, उसको चेंज कर लें, कभी लगेगा ये घड़ी बहुत पुरानी हो गई, इसको चेंज कर लें, कभी गाड़ी चेंज करने का मन करेगा, कभी ड्रेस, और ऐसे फीलिंग आएगी, कभी लैपटॉप चेंज करने का मन करेगा, कभी पैसे ही नहीं है जी, पैसे ही नहीं होते जो प्लान्ड है। हाँ जी, फोन अब खराब हो गया, बेचना है, फेंकना है, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर ही आप करेंगे, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। इमरजेंसी कोई आएगी तो उसके लिए हमने आपको हमेशा इमरजेंसी फंड का कंसेप्ट सिखाया हुआ है, वो आपका होना चाहिए, वो आप करें। और जब आप अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, तो भी आप एक तरह से अर्निंग करते हैं। प्लीज साइकोलॉजिकली आपको इसको बात को समझना है। मैं हमेशा कहता हूं, ए आपके लिए जो मैटर करेगा आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो ए करेगा। ए इज अमाउंट, और अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या होता है आपका, पी आर एन टी, पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो आप लगा रहे हैं, पी प्रिंसिपल जो आपने पैसा लगाया, आर जो मार्केट आपको दे रहा है, और टी जितना आपने टाइम दिया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है तो हम टी को बल्कि हम ले लेते हैं उसको पावर, तो वो और ब्यूटीफुल हो जाता है। तो पी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पी आपकी सेविंग्स पे डिपेंड करता है, आपके फिजूल खर्चे को बचाने पे डिपेंड करता है, जितना आप अपने फिजूल खर्चे, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ये कहीं नहीं कहती कि आप स्टॉक मार्केट में लगाओ आप राजा बन जाओगे, नहीं। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में सिखाया जाता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को ऐसे प्लान करो कि आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर दोनों को बेटर कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, 40 साल की उम्र में मैंने ये प्लानिंग किया कि मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा, मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा रिटायरमेंट कैसे होगा, ये सब प्लानिंग करने के बाद मैंने 40 ईयर्स में, 39 ईयर्स में रिटायरमेंट ले लिया। आज मैं एक खाली इंसान हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं जाता हूँ कई जगह, जाता हूँ कई जगह से मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं पैसे के लिए कहीं कोई काम नहीं करता, मैं करता हूँ, पैसे आ रहे हैं अभी भी आ रहे हैं, तो पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, मेरे पास आते हैं, ठीक है। मैंने फ्री का प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसके बाद लोगों ने फ्री वाली चीजों को नहीं लिया, उसके बाद मेरे को पैसा देके लोग ले रहे हैं। आज के टाइम पे जितना मैं फ्री में काम करता था, उससे मैं ज्यादा काम करता हूँ आज के टाइम पे, बता रहा हूँ। आज के 2 साल पहले यही काम मैं फ्री में कर रहा था, लोगों को मेंटरिंग कर रहा था, आप लोग की क्लासेस ले रहा था, और ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस ले रहा था, अगर जो लोग पहले से जुड़े पता होगा, रोज ले रहा था फ्री, तो लोग नहीं जुड़ रहे थे। लेकिन आज वही लोग मेरे पास आते हैं, 1 घंटे बैठते हैं, उसके 5,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस कराते हैं, मेंटरिंग लेते हैं, सब कुछ करते, सब कुछ करते, पैसे दे के। तो पैसे आ जाते हैं, आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, आपका काम सही होना चाहिए। ये मैंने देखा है, ये मैंने सीखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने काम में कंसिस्टेंसी लाए, अपने काम को ऐसे करें। हाँ जी, मैं ये काम करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं जो भी आपका काम है, आई डोंट नो, हर पर्सन का अलग अलग काम हो,
सबसे बड़ी गलती कि प्लीज अपने लर्निंग में कंसिस्टेंसी लाएं। क्या हमने स्टॉक मार्केट के चार्ट को देखना शुरू बंद तो नहीं कर दिया? हमने शुरू किया था, हमें कुछ कैंडल पैटर्न समझ में आने शुरू हुए थे, हमें कुछ कैंडल्स समझ में आने शुरू हुए थे, हमें कुछ कप विद हैंडल समझ में आने शुरू हुए थे, हमें कुछ इंडिकेटर समझ में आने शुरू हुए थे। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ हमने 2 महीने 4 महीने 6 महीने किया, अब हम अपने काम में ऐसे बिजी हो गए या मार्केट नीचे जा रही है तो हमें वो नीरस लगने लगता, नीरस, और उस निरस्ता के कारण हम मार्केट को देखना बंद कर दें, हम चार्ट पैटर्न को देखना बंद कर दें, हम कंपनियों के एनालिसिस करना बंद कर दें, हमें पता ही ना चले कि हाँ जी टाइटन जैसा शेयर भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुका है, ये हमें एहसास ही ना हो। क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, मैं प्लीज नो रिकमेंडेशन टू एनीवन, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ कि हाँ जी कैसे आपको अच्छे शेयर अच्छे रेट पे आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप रेगुलर नहीं देखते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि टाइटन की RSI क्या, मुझे नहीं पता कि यहाँ से कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ से और नीचे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरे कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को मुझे पता है कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो हाँ जी आज के टाइम पे 29 की RSI पे मुझे टाइटन मिलता है। मेरी जितनी बुद्धि कहती है मुझे समझ में आता है कि जी 30 के RSI पे कोई भी अच्छा शेयर मिले तो मुझे उसे लेना चाहिए, और जब 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 इस RSI के आसपास लिया है हमें फायदा ही हुआ है, फायदा ही हुआ है। आप पास्ट का कोई भी डेटा देख लेंगे तो फिर मैं बता रहा हूं मेरा रिकमेंडेशन नहीं है टाइटन आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। मैं इतना बड़ा ऑपरेटर नहीं हूं कि कुछ शेयर आपके टाइटन खरीदने से या ना खरीदने से मार्केट में कुछ वो आएगा, इसीलिए मैं छोटे शेयर का तो नाम ही नहीं लेता। कभी भी आप देखेंगे जब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे छोटे शेयर का नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरे सुन के अगर 10-20-50 लोगों ने ऑर्डर डाल दिया तो छोटे शेयर में वैल्यूएशन में कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन टाइटन में, HUL में, S&P में, इन सब में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा काम है केवल हो गया तेरा और क्वेश्चन? केवल और केवल आपको सिखाना, प्लीज इस तरह के शेयर को जो कि अपने आप में राजा हो उस शेयर की वैल्यूएशन को देखें समझें, और अगर आपको सही वैल्यूएशन पे आना शुरू हो जाए तो आप उसको थोड़ा थोड़ा, कभी 2 शेयर 1 शेयर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक चीज जान लो, इतने चीज समझने के बाद अब आपको ये बात तो एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि आप बॉटम पे नहीं खरीद सकते, आप टॉप पे नहीं बेच सकते। एक ही स्ट्रेटजी है कि आप सस्ता खरीद सकते हो महंगा बेच सकते हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या टाइटन जैसा शेयर अगर आपको पसंद आता है तो आप 2 शेयर 4 शेयर 5 शेयर 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर, डिपेंडिंग अपॉन आपके किस पोर्टफोलियो साइज में आप बिलोंग करते हो, आप उसे धीरे 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 खरीद, क्या होगा? सपोज मैंने टाइटन को इस रेट पे खरीदा, मान लो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन एट ऑल, 3200-3300 पे अगर मैं टाइटन खरीद रहा हूँ, अब यहाँ से टाइटन का दो ही सिचुएशन है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगर टाइटन यहां 3200 से नीचे जाता है तो मुझे पता है टाइटन एक अच्छा शेयर है, नीचे जाएगा तो थोड़े और खरीद, पक्का खरीद, और अगर ऊपर जाता है तो मैं टाइटन को रखे रहूंगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो अपना RSI वगैरह देखूंगा, मैं चार्ट पैटर्न देखूंगा और उसको कहीं बेचूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो लेकिन यही काम छोटे छोटे शेयर में लोग कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक शेयर 10 रुपए का खरीदा, फिर वो वोडाफोन 8 का आया, फिर खरीदा 7 का आया, फिर खरीदा 6 का आया, फिर खरीदा। अरे ऐसे उन शेयरों में ये सब काम नहीं किए जा सकते। ये सब काम अगर आपको करना है अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे, अगर आपको रिलायंस, आप लोग को याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब रिलायंस 2200-2300 के रेंज में, हमने आपको यही बातें कही थी, आपको याद होगा जब मैंने आपको ऑटो शेयर्स में एक टाइम पे यही बातें कही थी, आपको याद होगा जब मैंने आपको TCS जैसे शेयर पे 3200-3300 पे आपको यही बातें कही थी। हर शेयर के दिन आते, हर शेयर के दिन आते, कोई शेयर ऐसा होगा, आपको याद होगा HDFC AMC में मैंने यही कहा था, आपको याद होगा बजाज हिंदुस्तान में, या आपका रिलायंस, आपका पावर में, इन सब में एक टाइम, हर चीज का एक टाइम आता है, उस टाइम पे वो वैल्यूएशन ऐसी हो जाती है। आपको समझ में आना चाहिए अच्छा शेयर क्या है, अच्छी वैल्यूएशन क्या है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप बॉटम पे नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, आप टॉप पे नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। इसके लिए होता है टेक्निकल कारण, होता है टेक्निकल, हम लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो टेक्निकल उनके लिए है, मैं देखता हूं। दिक्कत क्या होती है कि आप करना चाहते हैं टेक्निकल,
लेकिन टाइम टेक्निकल का है नहीं। टेक्निकल का मतलब होता है कि आप रोज 1-2 घंटे चार्ट्स को देखें, आप रोज अपना प्लानिंग बनाएं, 10-20-50 शेयर की लिस्ट बनाएं, उस शेयर के हिसाब से एंट्री लें, एग्जिट करें, ये चीजें आप कर पाए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको टेक्निकल को देखना है, अदरवाइज टेक्निकल का एक हेल्प ले लेना है जब आप एंट्री एग्जिट कर रहे हैं कि हाँ जी अभी हम एग्जिट कर रहे हैं तो क्या ये सही टाइम है। ठीक है, उसके अब दिखाता हूँ मैं आपको टेक्निकल क्या है। टेक्निकल का अगर आपको हेल्प देखना है तो अगर आप लोग जुड़े हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने अभी नूर बच्ची, नूर नाम की एक बच्ची होगी वो, अगर नूर आप जुड़े हो क्या? मैंने देखा यस था, सर, याद है आपको एचडीएफसी लाइफ का बिक कितने किस रेट पे बेचा था आपने? आपको याद है आपने मुझसे फोन सर उस पे? टाइम पे शायद से स्प्लिट नहीं हुआ था, मतलब बीच में लास्ट ईयर स्प्लिट आया था ना। हाँ तो किस रेट पे बेचा था? फिर भी कुछ हाँ बेचा होगा। पता नहीं, बट अभी मैंने दोबारा खरीद लिया है रिसेंट अच्छा दोबारा खरीद, तो रिसेंट में। मैं आपको बता रहा हाँ हूँ जिस रेट पे आपने बेचा था उसके नीचे ही नीचे है अभी वो, हाँ इसीलिए। अभी वो नीचे ही नीचे है। क्यों? अब लेकिन एचडीएफसी लाइफ वो तो वो टेक्निकल था, वो बच्ची टेक्निकल सीख रही थी, अभी स्टार्टिंग है करियर का उसके लिए समय। लेकिन क्या मैंने जब नूर ने एचडीएफसी लाइफ को बिकवा, मैंने नूर को कहा हाँ नूर ये अच्छा टाइम है बेच देते हैं आप, लेकिन मैंने नहीं बेचा क्योंकि मैंने एचडीएफसी लाइफ अगले 10 साल के लिए खरीदा हुआ है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा वो 10 रुपए ऊपर या 10 रुपए नीचे या 50 रुपए ऊपर या 50 रुपए नीचे। क्यों? क्योंकि मुझे इस रेट पे जाने के बाद जब मैं बिकवा रहा था तो मुझे ये कहीं से नहीं पता था कि ये वहां से नीचे आएगा, मुझे ये पता था कि हाँ अब इसकी वैल्यूएशन जो इस रन में होनी चाहिए वो अपने वैल्यूएशन को अचीव कर चुका है, अब ये ठीक है टाइम लगाएगा या, लेकिन ये कहीं नहीं पता था कि वो यहाँ पे 2021 से 2024 तक वो चलेगा ही नहीं। सच्चाई बता रहा हूँ ये बात मुझे नहीं पता थी। हाँ एक उसकी सही वैल्यूएशन आ गई है, अब उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है ये बात पता थी, इसलिए मैंने नूर को कह दिया आप बेच दो आप, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करना है, आप अभी स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो, आप करो। लेकिन मुझे तो रखना है अगले 10 साल के लिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है सीएजीआर जो मुझे मेंटेन करना है, मुझे पता था जब वो यहाँ कहीं आया नीचे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे 500 के आसपास, मैंने फिर दोबारा और खरीदा, मैंने और खरीदा और पड़े हुए, अब फिर कहीं आएगा हो सकता है मैं और खरीदूंगा, मुझे नहीं पता, नो रिकमेंडेशन एट ऑल, मैं फिर बता रहा हूँ नो रिकमेंडेशन एट ऑल। हमारा काम है अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीदना, फिर जब हमें पैसों की जरूरत हो। मैं बार बार पता नहीं क्यों लोग ये कहते हैं सर अगर हमने यहाँ बेच दिया होता, हमने यहाँ खरीद लिया होता, हमने यहाँ बेच दिया होता, ये संभव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ यू हैव टू प्लान योर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, एक पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी कुछ भी बना लीजिए, अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप पैसे कमा लेंगे। दिक्कत है कि आपकी कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में रहना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, आप मिड कैप में रहना चाहते हैं, आप लार्ज कैप में रहना चाहते हैं, आप आरएसआई पे खरीद रहे हैं, आप स्टॉकिस्टिक पे खरीद रहे हैं, आप वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, आप डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई एक रूल तो बनाइए, कोई एक रूल, कुछ भी मैं कहता हूँ कोई भी रूल। स्टॉक मार्केट के जो रूल्स बने हुए हैं जो बड़े बड़े लोगों ने लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी एक अपनी पहचान है। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है दो ही तीन चीजें, पहला हम रूल या तो जानते नहीं, जान और मजे की बात है जान तो जाते हैं लेकिन उसको हम उसको लगा ही नहीं पाते। मैं प्लीज जानना चाहूंगा इस समय मेरे को 44 लोग दिख रहे हैं, एक मैंने हटा दिया तो 43 है, 43 लोग यस या नो में लिखेंगे क्या हम रूल्स को अप्लाई करते हैं बाय या सेल करते हैं, कोई व्हाट एवर द रूल, कोई भी रूल अगर आप करते हैं तो यस लिखेंगे, नूर ने लिखा यस ठीक है, और अगर आप नहीं करते तो नो लिखेंगे। सर, हाँ मैंने तो पॉलीकैब लिया था गैप फिल करने के लिए। मेरा गैप फिल हुआ, मैंने बेच दिया, वो 5,000 से 6,000 पहुंच गया। हाँ तो क्या हो गया? तो आपने आप मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं यस, तो इसका मतलब अगर आप रूल को पहले नहीं बट नाउ यस किसी ने लिखा, विनीत जैन जी ने, वेरी गुड वेरी गुड, यस सर फॉलोड एनी वन सर, यस आई फॉलो एनी वन नहीं, अच्छा पी रूल ठीक है मैक्सिमम पी रूल, वेरी गुड। रीता जैन जी ने लिखा आई परचेज ओनली, बहुत अच्छी बात है, पैसे की जरूरत नहीं तो क्या करेंगे, मैं शेयर खरीदता हूँ कई बार सोचता हूँ ये इतना हो गया बेचू क्या करूंगा बेच के, अल्टीमेटली आपके पास शेयर है या आपके पास पैसे है बात वही है, अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मैं बेचू, अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है इसको बेच दो क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, प्रॉफिट हो रहा है ठीक है आगे बढ़ेगा, अगर अगर ये सोचे तो फिर तो मुकेश अंबानी अपने कंपनी के शेयर पता नहीं कितनी बार बेच चुका होता और आज तक उसके पास रिलायंस रहता या नहीं रहता पता नहीं इस बात का,
तो इसलिए अगर आपको पैसे की जरूरत है, जब आपको पैसे की जरूरत है उस समय देखिए कौन सी कंपनी आपकी वैल्यूएशन सही आ गई है, उनको आप, मैं सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरा बेटा पढ़ता है, मेरे बेटे को हर 6 महीने के बाद मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, उस समय मैं देखता हूँ आसपास कि हाँ कौन कौन से शेयर है जिनको मैं बेच के कुछ पैसे निकाल के उसकी फीस दे, काम खत्म। लेकिन कौन सा शेयर ऊपर गया, कौन सा शेयर नीचे गया, क्या किया क्या नहीं, कोई क्या दिमाग लगाना है आपको? अच्छे शेयर की लिस्ट अगर अभी तक 6 महीने 1 साल जुड़ने के बाद अगर आपके पास 100 शेयर की 50 शेयर की अपनी लिस्ट नहीं है तो आप गलत हैं, आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सही से फॉलो नहीं कर। आपके पास हर शेयर जो आप आपके टारगेट में है, जो आप या तो खरीद चुके हैं या आपकी वॉच लिस्ट, दो तरह की चीज होती है, या तो मैंने शेयर खरीद रखा है या मेरी वॉच लिस्ट है कि हाँ ये अच्छे रेट पे आएगा, तो मैं, ये दो तरह के शेयर की एक चाहे एक्सेल चाहे एक रजिस्टर में कहीं ना कहीं एंट्री जरूर होनी चाहिए। वॉच लिस्ट वाले शेयर को आपको ये देखते रहना है कि हाँ जब अगर मेरे पास पैसे हैं, जब इनमें से कौन सा ऐसा है जो अच्छे रेट पे आ गया है उसको आप खरीदते जाइए, काम खत्म। 20-25 शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। जब आपको पैसे की जरूरत है किसी भी काम के लिए उस समय देखिए कौन से ऐसे हैं जो वैल्यूएशन पे सही आ गए हैं बेचने, एक खरीदने वाली वैल्यूएशन होती है और एक बेचने वाली वैल्यूएशन होती है, उस वैल्यूएशन पे आ गए हैं वहां पे आप जाके बेच दीजिए। अगर आप सही से पैसा बनाना चाहते हैं, अच्छा पैसा बनता है, काम खत्म। नौ, मैं एक दो क्वेश्चन लूंगा आगे बढ़ने से पहले, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो, मैं नहीं चाहता ये वन वे रहे बस। एनी वन ऑफ यू, डारमिया जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं आप। सिसोदिया जी नमस्कार, नमस्कार त्रिपाठी सर, कैसे हैं आप, बस एकदम बढ़िया सर। कैसी चल रही है सर आपका पोर्टफोलियो, कैसा चल रहा है पहले बताइए, आर यू हैप्पी विद पोर्टफोलियो? सर मोर देन हैप्पी एंड मोर देन सैटिस्फाइड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, सर। पहले भी मैंने शेयर वो किया था लोग ना, वो अनगोइंग लोग वेरीफाइड जिनको जी। शेयर, जैसे सिसोदिया जी, क्या आप मुझसे मिलने से पहले भी कभी शेयर मार्केट में कुछ सोचा था, करते थे कुछ आप? सर वो 2008 वाला था, मैंने उससे बस पहले काफी पैसे डुबोए थे अच्छा, और फिर उसके बाद सेकंड इनिंग तो आप ही के साथ शुरू की है। तो क्या डिफरेंस लगा और दोनों दोनों में, क्या डिफरेंस आया आपको, क्या डिफरेंस लगा? सर लगभग लाइफस्टाइल में ही चेंज मैं मुझे दिखाई देता है, जितना मैं पहले फिजूल खर्ची किया करता था वो सब बंद है, सारा का सारा पार्ट जो है वो सब इसी में इक्विटी मार्केट में आ जाता है और धीरे धीरे करके अब वो जल्दबाजी नहीं रही जो पहले कभी सोचा करते थे कि जल्दी करना है, अब तो बड़े आराम के साथ में चल रही है सब चीजें। बस तो मतलब आपको लग रहा है कि आपके जो फंड, जो कहते हैं ना फंड वैल्यू, वो फंड वैल्यू अपने आप ही बढ़ रही है, चाहे पोर्टफोलियो में रिटर्न मिल रहा है ना मिल रहा है, लेकिन फंड वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, ऐसा हो रहा है आपके साथ? दोनों ही तरीके से बढ़ रही है सर, दोनों तरीके अच्छा से रिटर्न वाइज भी बढ़ रही है। मैंने शायद अच्छा शेयर किया था आपसे हाँ नहीं पिछले ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का भी मैंने किया था, इस बार वाला भी आपके साथ शायद शेयर किया था, तो ओके आराम से 18-20% 22% सर आराम से निकल रहा है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता और किसी की जरूरत उससे ज्यादा चाहिए नहीं सर। वही मैं तो, जब लोग आते हैं मेरे है। पास, अब मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं सर मेरा नहीं बना, तो मुझे पता नहीं कैसे दुख होता है, इतना दुख होता है, और मैं देखता हूँ तो समझ में आ जाता हूँ कि हाँ देखो यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी। अब शेयर एकदम टॉप पे है तब खरीद रहे हैं, जल्दीबाजी में बेच रहे हैं, अभी अभी लोग बेच रहे हैं, अभी पता नहीं क्यों बेच रहे हैं। आपको इस बात को समझ, क्या आपको लगता, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ मोदी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, चलो क्या आपको लगता है मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आएगी तो इंडिया का ग्रोथ रुक जाएगा? किसको किसको लगता है कि पूरी मोदी जी की पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं आएगी तो इंडिया का ग्रोथ रुक जाएगा, 6% 6.5% का जीडीपी नहीं आएगी, है कोई ऐसा? मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। सर, ग्रोथ तो चलती ही रहेगी, ये तो 1-2 महीने के लिए ऊपर नीचे हो हाँ सकता वो नो डाउट मोदी जी की है। गवर्नमेंट नहीं आएगी तो उस दिन मार्केट 4,000 पॉइंट हो सकता है नीचे जाए, लोअर सर्किट लग जाए, अगले दिन फिर सर्किट लग जाए, 2 दिन ऐसा हो, तीसरे दिन से फिर धीरे धीरे चलना शुरू हो, ऐसा हो। अब हमारे मन में ग्रीड है, कहीं ऐसा हुआ तो वो जब नीचे होगा तो हम खरीद लेंगे, वो ग्रीड है, वो उस ग्रीड का कोई कोई उसका वो है ना, नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, आप खरीदिए, पैसे पड़े हुए हैं तो खरीदिए, नहीं पड़े तो चुपचाप पड़े हुए, कुछ पैसे हैं आपको लगता है अपॉर्चुनिटी को देखना है, 10 लाख रुपए पड़े हैं, 2-4 लाख की खरीदिए, अभी नीचे आया हुआ है, 5-6 लाख रखे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी मिला तो खरीदिए, नहीं तो बाद में खरीद लेंगे। यही एक तरीका हो सकता है जीने का, इसके सिवा कोई तरह। अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ है, डिटेल था थोड़ा सा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, थोड़ा सा आप, डिटेल आती है क्वालिटी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अशोक जी, कैमरे अपना उसको देखिए, माइक को जरा,
अब आ रही है सर आवाज? हाँ एकदम क्लियर आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। सर मोतीलाल ओसवाल में एक डिटेल आती है, क्वालिटी वैल्यूएशन, और हाँ एक एक कॉलम और होता है उसमें, उस बारे में पूछ रहे हैं। मार्क्स दिए होते हैं टेक्निकल्स की, अच्छा उन्हें मार्क्स दिए होते हैं 67 11, जैसे मैं आपको कोई मार्क्स देते हैं उससे क्या कीमत होती है, उसे कितनी नंबर वो होती है सर? देखो हर क्या होता है, फंड मैनेजर के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंड मैनेजर्स होते हैं, चाहे मोतीराम में किसी कंपनी का यहाँ वो प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, नो नहीं, मैं डाउट। पूछ रहा हूँ सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सर अपना अपना क्राइटेरिया बना लीजिए कि मैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शेयर खरीदता हूँ, मेरे दो तीन ही क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के वैसे से मैं, सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज क्या उस कंपनी को मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, वो जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस को मैं समझता हूं या नहीं जानता। अगर कोई लिखता है एक्स वाई जेड केमिकल लिमिटेड, क्या केमिकल बनाती है, उस केमिकल का क्या यूज होता है मुझे नहीं पता, मैं उसके दिमाग लगाता हूँ, मुझे घड़ी क्या होती है समझ में आता है, मुझे सोना क्या होता है समझ में आता है, मुझे टूथपेस्ट क्या होता है समझ में आता है, मुझे गाड़ी क्या होती है समझ में आती है, मुझे फोन क्या होता है समझ में आता है, मुझे FMCG प्रोडक्ट्स क्या होते हैं समझ में आते हैं, बैंक क्या होते हैं समझ में आते हैं। तो पहला मेरा क्राइटेरिया ये है, उसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ, उससे मुझे चीजें समझ में आती। दूसरा चीज, दूसरी चीज आती है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, वैल्यूएशन दो तरह की होती है, एक होती है उस कंपनी की वैल्यूएशन जो दुनिया के सबसे मुश्किल काम है, वो मैं और आप आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए बड़े बड़े फंड मैनेजर लगे रहते हैं, उसके लिए डिस्काउंटिंग कैश फ्लो निकाला जाता है, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाला जाता है, फ्यूचर को प्रेजेंट में डिस्काउंट किया जाता है, वो आसान काम नहीं है, वो आसान राइट काम नहीं है, उसके लिए टीम बैठानी पड़ती है, एक्सेल बनाने पड़ते हैं। अब उसका दूसरा तरीका क्या है, उसका एक आसान तरीका है कि आप उसको पास्ट से एंड पीयर से कंपेरिजन कर दे, सिंपल पीयर से कंपेयर करें कि हाँ जी इसके, सिंपल सी बात है, 1 एकड़ लैंड है आपके एरिया में बिक रहा है, आप देखें कि बगल वाली लैंड कितने की बिक रही है, अभी पिछली सेल हुई थी वो कितने में हुई थी, ऐसे तो करते हैं ना आप उस लैंड की वैल्यू नहीं, आप समझिए अगर आप किसी एरिया में जाके किसी लैंड की वैल्यू निकालना चाहेंगे आप निकाल ही नहीं पाएंगे। आप क्या करते हैं यार, अभी इधर किस इस एरिया में किस रेट में डील हो रहा, जिस रेट में डील हो रहा है बाकी रेंट्स का हुआ है, किसी ने 100 गज का प्लॉट, 200 गज का प्लॉट, 1 एकड़ का प्लॉट जो भी बेचा है उससे ऑपरेट आप कैसे एक, करना उसे कहते हैं चाहिए। पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन कीजिए। दूसरा पास्ट कंपैरिजन कीजिए कि ये जो लैंड है या कोई और लैंड इसके जैसी है वो पास्ट में किस रेट पे बिक रही है, बिकी थी, ठीक है, इससे आप एक आइडिया निकाल लेते हैं कि हाँ इसका सही वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। जब राइट राइट आपको ये चीजें समझ में आती हैं, वैल्यूएशन सही है, कंपनी सही है, सेल्स ग्रोथ देख लिया, प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया, आपने ये चीजें समझ में आ गई, तो आप उस कंपनी को खरीद, काम खत्म। उसमें आपको किसको मार्क्स जो देना है, आप प्रमोटर होल्डिंग को 2 दे दीजिए, पी को 4 दे दीजिए, टोटल कर लीजिए, हर चीज को आप अपने 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 पॉइंट लगाइए ना कि मैं इसके पांच राइट पॉइंट, राइट इसके पांच पॉइंट, इसके पांच पॉइंट मैं दूंगा मार्केट कैप के, 5 पॉइंट दूंगा मैं पी के, 5 पॉइंट दूंगा आरओई के, 5 पॉइंट दूंगा प्रमोटर होल्डिंग के, अगर प्रमोटर होल्डिंग 50 के ऊपर है तो 5 दे दूंगा, 40 के ऊपर है तो 4 दे दूंगा, 30 के ऊपर है 3 दे दूंगा, ऐसे करते हुए आप अपने पॉइंट बनाइए ना, कितना अच्छा आप अपने। और आप ये कि जिस भी कंपनी के मेरे टोटल पॉइंट जो हैं वो 70 हो जाएंगे या 80 हो जाएंगे जो भी है, मैं उसको खरीदूंगा नहीं तो नहीं खरीदूंगा, बड़ा अच्छा काम खत्म। यही होता है जो लोग पॉइंट देते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट वैल्यूएशन देके और टोटल करते, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई होप आपको मैं समझा पाया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जब मैं क्वेश्चन नहीं देता हूं तो आप लोग का मैसेज मेरे पास आता है कि सर मैं क्वेश्चन सर पूछ बस मैं रहा था। मुझे नमस्कार, आपने आपका आया था मैसेज, मैं उसमें जवाब नहीं दे नमस्कार पाया। प्रमोद जी, कैसे हैं आप, एकदम बढ़िया सर। आप कैसा पूछ चल, रहे थे सर पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है हाँ मैं जानना चाहूंगा कि आप जी। भी जुड़े मुझसे रब रब, मैं क्या है कुछ फेसेस तो मैं पहचान पा रहा पेशेंस हूँ। पेशेंस मिल गया सर आपकी बात तो सर आपकी हो गया, मैं ज्यादा उलट फिर क्या नहीं, बढ़िया चल अच्छा रहा तो आप क्योंकि आप एक हम लोगों में बड़े हैं तो आप हम बताइए बाकी लोगों को कि क्या आपकी क्या सीख है बाकी लोगों को कि कैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को रखना चाहिए जिससे पैसा, सर। क्योंकि आपने पहले भी किया मैंने तो होगा और अब भी कर रहे हैं। सर मैंने तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप से सीखा, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा है ना। वो आप जब कहते हैं तो जब भी फंड है मैं अपने हिसाब से जो क्राइटेरिया आपने बताए हैं वो फंड लेके बैठा रहता हूँ, उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो कंपनीज आपने दी उनमें से जो अच्छी लगती हैं जब वो उस रेंज में आती हैं तो उठा लेता हूँ और फिर मैं बैठ जाता थैंक यू सर, अभी ये थैंक यू चल रहा वेरी है मच। मेरा, तो अभी मैं अब उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ बहुत ज्यादा,
लेकिन हाँ ठीक है, उस हिसाब से इस बढ़िया पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे ये बताइए। नहीं बन रहा है ना सर, बिल्कुल बन रहे हैं पैसे। वेरी गुड, मैंने मतलब प्रॉफिट बीच में एक आध बार बुक भी किया था, ये जब अच्छा अभी फॉल आया ना बीच में, अभी मेरे ख्याल से हो गए होंगे 25-30 दिन पहले हो गए होंगे, मैंने अच्छा कुछ बुकिंग भी की, उसके बाद मार्केट डाउन भी आया, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। गया। प्रियंका जी हैं कोई? प्रियंका जी बताइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैं प्रियंका हूँ, मैंने आपकी लाइव क्लास तो 2-3 ही ज्वाइन की है, लेकिन मैं आपको 6-7 महीने से यूट्यूब की सारी क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी सारी, ओके मैंने उसमें, हाँ जी, तो मैं अभी तो मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं किया है, लेकिन मैं कॉपी बना ली है, उसमें मैं रजिस्टर में सारी जितनी भी मेरे को जो भी सीख है वो सारी उसमें मैंने नोट डाउन की है। ओके हाँ जी, तो बस मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने इसी महीने से निफ्टी 50 का एक प्लान इंडेक्स फंड में 5,000 रुपीज की SIP शुरू किया है सर। मैं आपको बता रहा हूं प्रियंका जी, अगर आपने मेरी वीडियोस को देख कर और आपकी पहली इन्वेस्टमेंट अगर निफ्टी 50 का ETF है, तो मैं हाँ जी समझ सकता हूं कि आपको और कुछ पढ़ने की जानने की जरूरत है ही नहीं। हाँ जी आपकी सर, लर्निंग बहुत अच्छी है, हाँ इससे जी अच्छी लर्निंग हो ही नहीं सकती। जो इंसान इक्विटी मार्केट में निफ्टी के ETF से शुरू कर दे, समझ लो आप पीटर लिंच को पढ़ लो, चाहे आप कितना वॉरेन बफेट को पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, आपको पता चलेगा वो कहते हैं इंडेक्स को बीट करना आसान नहीं है। तो आपने इंडेक्स को ही ले लिया, तो दैट मींस ये तो पता चल गया कि 12-13% का तो आपने इंश्योरेंस कर लिया। क्या जी 12% का तो मेरा, मैं आपको बता रहा हूं, आंख बंद करके 10 साल रख लीजिए, आपको 12% दुनिया को मतलब इधर से उधर हो जाए आपको मिलेगा, वो सर मिल ये जाए। मैंने सर मेरा SBI में सेविंग अकाउंट था, तो मैंने SBI का ही प्लान लिया है, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो नहीं नहीं मेरा, आपने निफ्टी 50 का ETF लिया ना, चाहे आप SBI हाँ कर जी लें, चाहे वो जैसे सबसे कम, मैं निफ्टी 20 क्यों बताता हूँ, क्योंकि उसका जो कहते हैं एक्सपेंस रेशियो वो सबसे कम है निफ्टी का। आपने जब निफ्टी खरीदा, मेरी बात समझिए, निफ्टी ETF खरीदा, तो आपका गेन चाहे आप SBI कर लें, चाहे आप कोटक कर लें, चाहे आप निपोन कर लें, किसी कर लें, वो बढ़ता तो सेम है, क्योंकि वो तो सबने हाँ जी निफ्टी निफ्टी को रेप्लीकेट कर रहे हैं सबके सब। सबने क्या किया, हर फंड मैनेजर निफ्टी को रेप्लीकेट करेगा। अब जो आपका, आपने देखा होगा किसी का 12.02, किसी का 12.01 ऐसा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस किस केवल इस बात पे आता है कि किसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है। मुझे SBI का एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में मुझसे कोई पूछे तो नहीं सर, पता, मुझे 0.1 हाँ जीरो पॉइंट लेकिन, टू जीरो है सर। हाँ लेकिन मुझे ये पता है कि जो निपोन निफ्टी 20 है उसका एक्सपेंस रेशियो जितने भी निफ्टी के बीज हैं, निफ्टी के ETF हैं, उसमें सबसे कम है। दैट इज माई स्टडी, आई मे बी रॉन्ग, मैंने जब किया था अब चलता आ रहा है, कभी दोबारा देखा ही नहीं, उसमें मेरी SIP जा रही है जा रही है जा रही है, काम खत्म, ज्यादा दिमाग लगाता ही नहीं मैं, हाँ जी तो इसलिए ठीक है आराम से चल रहा है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया प्रियंका जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है और आप इसको कंटिन्यू तो करें। मुझे मेरा अभी तो मैंने डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला है, ना मुझे पता है कैसे खोलते हैं, मतलब इतनी लर्निंग मेरी नहीं हुई है, पर नहीं आई एम लेकिन अगर आपने इंटरेस्टेड। डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो आपने निफ्टी 20 कैसे ले लिया? सर वो मेरा सेविंग अकाउंट से निफ्टी 50 में मैंने किया है कहीं कोई आपको कोई सर, और प्लान यहाँ तो नहीं तो ले गया इसने कोई आप, प्लान ले लिया सर। कोई प्लान आपने सर ले लिया? सर इन्होंने ये बोला है, इन्होंने इंडेक्स फंड लिया है थ्रू म्यूचुअल फंड, निफ्टी अच्छा 50 का। हाँ, अच्छा जी आपने सर, ETF नहीं लिया, आपने इंडेक्स फंड हाँ लिया, मोर लेस सेम थिंग। हाँ ठीक है ठीक है। बस वो है कि वो ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्रेड करना भी नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक जी है आपने इंडेक्स फंड ले लिया, ठीक है। सर, इंडेक्स इंडेक्स फंड का मैं बता रहा हूँ, ETF से इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, ठीक जी है, सर, तो आपका एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, और दूसरी चीज होगी कि वो ट्रेडेबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ आपको ट्रेड करना भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सर, फर्क, मुझे 10-15 साल तक रखना ठीक है। है कोई फर्क नहीं, ठीक है। हाँ, ओके विवेक जी ओके। आपका क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं एक ये पूछना चाह रहा था कि एक बार हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं क्या किसी एक का, एशियन पेंट और ग्लैंड फार्मा में से, अभी कर लेते हैं सर, एशियन पेंट का करने में मुझे मजा आएगा। मतलब जिसमें आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। दो मेरे उसमें था, थोड़ा टारगेट में था, है पहले से दोनों ये। हाँ। दोनों आपने बहुत अच्छे रेट पे खरीदे हुए और मेरे साथ ही खरीदे हुए, मुझे ग्रैंड फार्मा तो हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आपने 1 कप चाय पे जाके मुझसे पैसे बजारा कमा लिए थे आपने, मुझे अभी भी याद है, नहीं चाय के साथ कुछ आपने कुछ काजू वाजू भी दिए थे, मैं आपके घर पे ही आया। सर हाँ सही हूँ कि गलत हूँ?
वो काजू महंगा तो नहीं पड़े आपको? नहीं सर, अच्छा महंगी तो देखिए बात ही नहीं सर, कोई आएगा तो वो देखिए जरा, भी मिलेगी। ये एशियन, ये देखिए, एक सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका मैं ये कहता हूं, सबसे पहले मैं जाता हूं इसके फंडामेंटल को मैं समझता हूं, तो मुझे ये दिखता है एशियन पेंट। एशियन पेंट का जो हाईएस्ट प्राइस था वो था करीब जुलाई 2023 में 3500 रुपए, समझिए जुलाई 2023 में इसका प्रॉफिट क्या था। जुलाई 2023 में इसका जून जून में आया, जून के बाद, क्योंकि जून का प्रॉफिट आया होगा उसी के बाद जुलाई में गया होगा, ठीक है, 1575 रुपए, ध्यान से समझिए, 1575 रुपए का इसका क्वार्टरली प्रॉफिट था। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1575 रुपए पे 3500 रुपए था, यानी 1600 रुपए के, और अभी ये 1272 रुपए है, करीब करीब वहां से, करीब करीब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे 16 और 4, करीब करीब ये आपका 20% नीचे है। क्या मैं सही हूँ? हाँ जी सर, 20% आपका प्रॉफिट नीचे है। अब चलते हैं हम इसके यहाँ पर, आज प्राइस क्या है, 2600 रुपए, 3500 रुपए में से 2600 रुपए कितने परसेंट नीचे है, कैलकुलेशन करिए, 3500 से पैंतीस सौ लगभग हाँ 30, लगभग 30 के आसपास, 25-30। 30%। तो क्या आपको सिंपल प्रॉफिट के टर्म में आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे एक बार्गेन गेन मिल रहा है 10% का, हाँ जी क्योंकि सर, प्रॉफिट नीचे आया इसलिए हमें नीचे मिल रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन प्रॉफिट कितना नीचे आया और प्राइस। और दूसरी चीज बता रहा हूं, प्रॉफिट जो है वो आपके वैल्यूएशन का एक पार्ट होता है, एक वैल्यूएशन है उसमें प्रॉफिट ऐड होता जाता है, प्रॉफिट ऐड होता है तो मेरी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है, प्रॉफिट कम हुआ है वैल्यूएशन कम नहीं होनी चाहिए उस रेशियो में, लेकिन फिर भी आपको 10%, ये तो एक आपको फंडामेंटल के बारे में। आपने मुझे कहा टेक्निकली, टेक्निकली दो तीन चीजें देखी जाती है, सबसे पहले जब टेक्निकल समझना हो तो सबसे पहले लगा दो उसमें डीएम में, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब टेक्निकल में कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले लगाते हैं हम डीएम में, क्या स्टॉक अपने डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है, एक बार हम देखेंगे। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ जी इसने अपना 200 डीएमए और 50 डीएमए दोनों के नीचे आ चुका है, देखिए ज्यादा से मैं एक बार 10 भी लगा देता हूँ, सॉरी 20, 20 भी लगा देता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लगा दिया तीनों, तो इसका मतलब अब समझ में आ गया मुझे कि आज के टाइम पे स्टॉक 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए सबके नीचे आ चुका है, यानी टेक्निकली ये वीक हो चुका है। मैं फिर बता रहा हूँ, टेक्निकली ये स्टॉक वीक हो चुका है, क्लियर है विवेक जी? हाँ जी सर, डीएमए को किसी, डीएमए को इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब मैं देखूंगा इसका सपोर्ट कहाँ पर है, बहुत अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक का इस पॉइंट पे है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट है जिस पे ये बार बार स्टॉक जो है किसी न किसी तरह से या तो ऊपर जाते हुए रुकता था ये इसी पॉइंट के आसपास, ठीक है, या फिर नीचे आते हुए भी इसी पॉइंट के आसपास रुकता है। देखिए मैं आपको सपोर्ट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, सपोर्ट पॉइंट्स के, और आज भी ये इसी पॉइंट पे है, अगर ये इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमें मिलता है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों इस सपोर्ट को है, मैंने हमेशा कहा है कि जब पास्ट का रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो एक अच्छा, यहाँ पे देखिए पास्ट का रेसिस्टेंस है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इसको विवेक जी, हाँ आप जी सर, ये पास्ट का, यहाँ पे जाके नीचे आया, यानी ये पास्ट का रेसिस्टेंस जब फ्यूचर में सपोर्ट बना तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। वही सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये दोबारा अगर ये नीचे आता है तो ये यहीं पर कहीं आएगा, कहीं पर अगर ये इसको तोड़ेगा तो ये यहाँ पर आ सकता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, लेकिन ये बहुत नीचे है, उतने चांसेस लगते नहीं है कि ये यहाँ पे जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाली लाइन गलती से लग गई है, तो इतना नीचे जाने का क्या ये 2200, देखो होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कल मैंने बताया 4 जून को हो सकता है 2200 को टेस्ट करे और चला जाए ऊपर, हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे ये स्टॉक डीएमए के नीचे आ चुका है, यानी टेक्निकली वीक हो चुका है, लेकिन टेक्निकली वीक होने के बाद एक सपोर्ट पे है, इस सपोर्ट को ये रहता है या नहीं रहता है इसको आपको देखना है, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे लेवल पे है, टेक्निकल
टेक्निकली आपने मुझसे पूछा, इस सपोर्ट को ही देख के ये मेरा एक बाइंग लेवल था जो मैंने आप लोगों को, प्लीज मेरा डिस्क्लेमर है, मैंने लास्ट वीक में भी जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा, जसवीर जी दिख रहे हैं, विवेक जी दिख रहे हैं, हमने इस स्टॉक को पिछले वीक में भी हमने थोड़ा बाई किया है और हो सकता है नीचे और जाए तो हम इसको और बाई करेंगे। नो रिकमेंडेशन, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट, मैं इसको खरीद, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ जी कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, कंपनी नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो है विराट कोहली जैसे को बना रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ कंपनी जो है डूबने वाली नहीं दिख रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, आज चलेगी, 6 महीने बाद चलेगी, मुझे वो उसका कोई इफ बट नहीं। ठीक है सर, विवेक जी ठीक सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। जसवीर जी आपका क्वेश्चन प्लीज। सर है एक बार हनीवेल ऑटो को देखेंगे सर, टेक्निकली या फंडामेंटली? टेक्निकली। टेक्निकल। देखिए सर, अब जो इस टेक्निकली इसे हम कहते हैं, आपका आज के टाइम पे अगर मुझे इस टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है सर। ठीक है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है, यानी ये यहाँ पे जाके एक बार जो भी ये वैल्यू है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे कर देता हूँ तो समझ में आएगा, इसके आसपास कहीं जाके आपका 4900 के आसपास कहीं, 49,000 के आसपास कहीं जाके एक बार इसमें रेजिस्टेंस होगा, जो इसका लाइफ टाइम हाई की वैल्यू है, वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी 47,224 कुछ ऐसे है, हाँ जी, हाँ 47,224 ये इसके लाइफ टाइम हाई है, इसको इसने क्रॉस कर लिया तो इसको हम कहते हैं ब्लू स्काई। ब्लू स्काई यानी यहाँ पे आपको सेलर नहीं बचता है, क्योंकि जिसने बेचना था वो अपने प्राइस से बेच चुका है, उसके बाद वो ऊपर कहीं भी जा सकता है जहाँ तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा हमेशा ये लर्निंग रही है कि यहाँ पे स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार फंस जाते हैं ना ऊपर उस लेवल पे, आप इसको यहाँ पे बहुत अच्छा रेट था, ये सब बहुत अच्छा रेट था, मैंने यहीं पे खरीदा था सर, आपको याद होगा हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर, अगर आपको याद होगा। हाँ, आसपास लिया था सर। तो इसीलिए, लेकिन अब जो है क्या है कि सर टेक्निकल को, टेक्निकली बहुत अच्छा पॉइंट है, टेक्निकली यानी अब इसके ऊपर रेसिस्टेंस नहीं है, स्टॉक भाग सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन जब मेरा टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मैच करके जब हम खरीदते हैं ना तो उसका मजा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को हिंदी या इंग्लिश या कोई चीज दिख रहा है या हिस्ट्री दिख रहा है, हिस्ट्री का कंटेंट बहुत अच्छा आता है और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तब जब वो आंसर शीट लिखता है तो उसकी आंसर शीट का एक बहुत मजा है। एक बच्चा ऐसा जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसका कंटेंट नहीं है, और दूसरा बच्चा ऐसा जिसका कंटेंट अच्छा है लेकिन उसकी राइटिंग ऐसी नहीं है, दोनों ही केस में मार्क्स कम मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर राइटिंग भी अच्छी है और कंटेंट भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग टीचर हैं इसलिए मैं आपके टर्म में बता रहा हूं, तो उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आने के चांसेस लगभग लगभग 100% के बराबर होते हैं, अनलेस अंटिल की कोई टीचर ही कोई ऐसा हो जाए या कुछ उसके साथ रोल नंबर मैच ना करे, सॉफ्टवेयर में कुछ हो जाए अदरवाइज। तो ये जब मैं कहता हूँ फंडामेंटल को टेक्निकल से मैच करें, अब मैं आपको हनीवेल का मैंने बता दिया लाइफ टाइम हाई पे है, दूसरा मैं यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ हनीवेल, अगर मैं यहां पर देखूं कि हाँ जी पी रेशियो क्या बता रहा है, तो पी रेशियो मुझे बता रहा है कि हाँ जी मैं एवरेज के ऊपर आ गया, दिख रहा है आपको? हाँ जी। अब मैं इसको, क्योंकि ये मेरा एक ओल्ड एज कंपनी है तो मैं इसका पीबी भी जरूर देखूंगा, एक बार मैं पीबी भी जरूर देखूंगा, पीबी के हिसाब से बहुत महंगा नहीं है लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है, एकदम ये अपने एवरेज के बराबर आ चुका है लगभग, देख रहे हैं आपको, इसलिए अभी मुझे इसको खरीदने में कोई, क्योंकि सर जब मैं स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदता हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं अपॉर्चुनिटी को गेन कर जब भी अपॉर्चुनिटी हो, अब यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नॉर्मल है, जो भी आप टमाटर आपके 40 रुपए किलो होते थे, टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, काम खत्म, टमाटर अगर 20 रुपए किलो किसी वजह से आ जाए तो उसको लेके उसका प्योरी बना के फ्रिज में रख दीजिए, तो अगले 1 महीने हो सकता है टमाटर की वजह से कुछ खर्चे आप घर के बचा पाए, सिंपल सर। ठीक है, नहीं मैं खरीदने की नहीं सोच रहा था इसको, हाँ आप बेचने की सोच रहे हैं,
हाँ तो आप 10 DMA को फॉलो करिए ना, आपको बताया हुआ है आराम से, 10 DMA लगाइए, 10 DMA के नीचे आएगा बेच दीजिएगा। आप 10 DMA का ठीक स्टॉप लॉस लगा के जब बढ़ते जाइए ना इसको आराम से, जब तक 10 DMA के ऊपर है इसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके हाँ 10 DMA को अपने चार्ट में लगाइए, जिस दिन 10 DMA के नीचे आ जाए, 9 DMA 10 DMA उसके, ठीक है, उसके बाद वो आप निकल जाइए। ठीक है, पैसे बन गए, आपने 37-38 हज़ार पे खरीदे थे, आपके अच्छे पैसे बन रहे, क्या दिक्कत हाँ 36 पे खरीदा, है। 36.5 हाँ, ठीक है, किसी के मन में और कोई क्वेश्चन है? एनीवन? पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आज आपको जो बताया है इसको प्लीज ध्यान रखेंगे, अपने पैसे को मार्केट से परेशान होकर नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक स्टॉक के बारे में अब बताने जा रहा हूँ जो मुझे आपको बताना था, इसको ध्यान से रखिएगा। लेकिन इस स्टॉक को बताने से पहले मुझे आप लोगों का ग्रुप पे फीडबैक चाहिए। जब तक मैं उस स्टॉक को खोल रहा हूँ, जल्दी से अपना फोन उठाइए और आज की रात का फीडबैक लिख दीजिए, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। मैं वेट कर रहा हूं और मैं उस स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बताऊंगा आपको जल्दी से। आई एम ओके वेटिंग, 43 लोग दिख रहे हैं मुझे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 42 तो कम से कम मेरे पास फीडबैक आने चाहिए। आ गया, अभी तक मेरे पास एक आया है। फीडबैक लिख दो, आप कहाँ से लिखते हैं, कहाँ, टेलीग्राम पे लिखना कहीं भी लिख दीजिए बच्चा, कोशिश करें, अगर आपने एक जगह लिखा है तो दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। सर। प्लीज मैं टेलीग्राम पर ऐड नहीं हो पा रहा, आपने किया भी था वो हो नहीं पा रहा, प्लीज कर दीजिए मेरे को। लिंक मैं कैसे करूंगा, आप ही क्या करेंगे, मैं तो आपको लिंक भेज सकता हूँ बस, बहुत चाहूंगा तो मैं करें। भेजिए सर, आपने भेजा था, मैंने किया था, फिर वो नहीं हो पा रहा, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। पता नहीं, अगर आप दूसरे नंबर से किसी ज्वाइन करने की कोशिश करिए फिर, अगर अच्छा उस सर, नंबर वो में दो, मैं नंबर टू, दोबारा आएगा एक बार, मैं दोबारा, अभी आप कौन से ग्रुप पे हैं, श्याम आगे कौन से ग्रुप पे हैं आप, ये पता नहीं सर, मैं तो आपसे देखना उस पर लिखा होगा, पड़ेगा। मुझे आप एक बार वो पिंग कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, अगर आप लोगों ने भेज दिया है तो मैं आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, इस स्टॉक को ध्यान से देखिएगा, टेक्निकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे ये एक स्टॉक है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा प्राइस गैप दिख रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गैप थियरी आप लोग को पढ़ाया गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबने फीडबैक भेज दिया होगा, गैप थियरी आपको पढ़ाया गया है, ये बहुत ही प्यारा गैप बना है, बहुत ही प्यारा गैप बना है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक आपको दोबारा, हो सकता है किसी झटके में, हो सकता है सरकार के बनने या ना बनने में कुछ में, आपको ये दोबारा स्टॉक जो है इस प्राइस के आसपास 530 532 के आसपास कभी आके मिल जाए किसी दिन। अगर ये स्टॉक आपको 530 532 के आसपास मिलता है तो ये एक अच्छे स्टॉक के अच्छा बाइंग लेवल होगा। और मुझे टेक्निकली गैप थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है, जितने लोगों ने जाना है, जो लोग टेक्निकल की क्लास कर चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, बहुत ही प्यारा गैप है, बहुत ही प्यारा गैप है और बहुत बड़ा गैप है, एक दिन में बना है, ना कि ये कोई वीकली कैंडल पे या आपका आवर्ली कैंडल पे, नहीं, ये डेली कैंडल का गैप है, इस गैप को ये फिर करने आना चाहिए, आना चाहिए। और जब ये आएगा, क्योंकि वो गैप 200 DMA के ऊपर, देखिए कितना प्यारा टेक्निकल स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो गैप फिर करने के बाद भी, वो गैप फिर करने के बाद भी जो स्टॉक होगा वो अपने 200 DMA के ऊपर होगा, यानी 200 का ब्रेकआउट होगा। इधर से ये जो 50 DMA है, ये जो 50 DMA है, ये 200 DMA को कहीं से क्रॉस कर जाएगा, जब तक ये इसको धीरे तो करेगा, तब तक ये 50 DMA जो है 200 DMA को धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू कर देगा, या तो फिर, क्योंकि 200 DMA नीचे की तरफ आएगा, 200 DMA थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, 50 DMA ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जाते हुए ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे आपका एक गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा, चाहे तो इसको लिख लें आप, गूगल करेंगे, ये बहुत अच्छी टर्म होती है, गोल्डन क्रॉस ओवर।
अगर ऐसा होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा होता है, टेक्निकल की बात आप लोग को बता रहा हूं कि ये गैप फिल होता है, फिर भी प्राइस आपका ऊपर रहता है किसके, 200 डीएमए के, और चार्ट में गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका होता है, गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका होता है या बनने वाला होता है, एक दो दिन में बन जाएगा, जैसे ही वो गैप फिलिंग होगा उसके आसपास दिख जाएगा कि हाँ अब ये बनने वाला है, यानी 200 डीएमए को 50 डीएमए नीचे से काटेगा, दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर। बहुत अच्छा टेक्निकल टर्म होता है, उस गोल्डन क्रॉसओवर के आसपास इस स्टॉक को पकड़िएगा, आपको आराम से एक अच्छी रिटर्न अगले 2-3 महीने में मिल सकती है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मिल सकती है, अच्छा स्टॉक है, रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना नहीं है, नहीं है, सीखना है। क्या अगर ऐसा हो तो देखना है, डायरी पे लिखना है कि हाँ ऐसा हुआ था तो अगले 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में कितने परसेंट गेन हुआ। तो अगर ऐसा कहीं आपको दोबारा दिखाई दे तो उस अपॉर्चुनिटीज को यूज करने की कोशिश करना है। क्या ऐसा डाबर में हुआ है, क्या ऐसा ब्रिटेनिया में हुआ है, वो आप खुद सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप देखेंगे, और अगर आपको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप उसको, दो तीन चीजें बता रहा हूँ, पहला आपका गोल्डन क्रॉसओवर, दूसरा एक अच्छा स्टॉक, और तीसरा गैप थ्योरी, ये तीनों को कंबाइन करके मैंने आपको बताया है, इसको जरूर ऑब्जर्व करिएगा अगले कुछ महीनों में। लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आपको, अभी मैंने जितने लोगों से बात किया, चाहे डालमिया जी से बात किया, चाहे अनिल जी से बात किया, चाहे किसी, सब सबके सबने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एक्सपीरियंस को बताया कि हाँ कैसे अब हमने अपने आप को चेंज किया। अपने आप को चेंज कर लेंगे आपका पैसे बनने लगेंगे, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होने लगेगा, लेकिन अपने आप को चेंज करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। टिप लेने की कोशिश ना करें। आज भी किसी एक फ्रेंड का, मेरे वो एक आप में से किसी का मैसेज आया था, सर मुझे मंडे के लिए कुछ बता दीजिए, नए नए आए थे, ठीक है, प्लीज मेरे से टिप लेने की कोशिश ना करें, कोशिश करें सीखने की, जितना सीखेंगे उतना आप खुश रहेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में किसी सुनील त्रिपाठी की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद करता हूँ ये प्लेटफॉर्म आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि और अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ें, सो दैट कि हम लोग साथ मिलकर कुछ और चीजें सीख सकें। जितना हम सीखेंगे, मैं आपसे सीखता हूँ और आप मुझसे सीखते हैं, हम लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। आपको लगता होगा कि केवल आप सीख रहे हैं, लेकिन आपके साथ मैं भी सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।